अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी, सॉफ्ट चॉकलेट स्पंज केक, वो भी विदाउट ओवन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के दिए हुए आइकन को प्रेस कीजिए। रहीम, चैलेंजेस स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आधा कप से कम मैदा लिया है जिसको छान लिया था, दो अदद अंडे लिए हैं जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था निकाल कर, यहाँ पर एक कप से कम मैंने चीनी ली है, पाउडर चीनी है, आधा कप मैंने दूध लिया है, ये भी रूम टेम्परेचर पर मैंने रख दिया था, बॉयल्ड दूध है। यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है। आज मैं आपको विदाउट ओवन केक बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है जिसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया है, इसके बॉटम पर मैंने सारा नमक डाल दिया है और इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। नमक स्प्रेड हो गया है, अब मैंने इसके अंदर एक कटोरी रख दी है। आपके घर में कोई भी बर्तन हो या फिर कोई भी कटोरी हो आप वो रख सकते हैं, आप चाहें तो स्टैंड भी रख सकते हैं। फ्लेम आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखूंगी, इसको मैं प्री हीट कर लूंगी 25 मिनट्स पहले। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने एक स्टील का प्याला ले लिया है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, अगर आपके पास सिल्वर का है तो आप सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट वो ही सेम आएंगे बिल्कुल। यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडे शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से बीट कर लूंगी। ये बहुत मजेदार केक बनता है, बिल्कुल बाहर की तरह, आपको बाहर पैसे खर्चे करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत इजीली घर में अवेलेबल होते हैं, आप उसी से बनाएं और ये बहुत मजे का बनता है। अंडा बीट हो गया है, मैंने देखें इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करा है। अब इसके अंदर मैंने चीनी ली थी वो मैं शामिल कर दूंगी, और चीनी और अंडे को हमने 5 से 6 मिनट मुसलसल जो है बीट करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और चीनी डिसॉल्व हो जाए। पाँच मिनट हो गए थे मुझे मुसलसल बीट करते हुए, अब मैंने जो दूध लिया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और दूध शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी। दूध डालने के बाद जो मैंने वनीला एसेंस लिया था वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि केक के अंदर से अंडे की स्मेल आती है, तो इस वजह से मैं इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूंगी। वनीला एसेंस डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो स्टेप है वो ये है कि मैंने एक स्ट्रेनर ले ली है, इसके ऊपर मैं मैदा और बेकिंग पाउडर डाल दूँगी, साथ में ही कोको पाउडर डालकर इसको स्ट्रेन कर लूँगी यानी कि छान लूँगी। मैंने मैदा छाना हुआ ही लिया था, लेकिन मैं एक दफ़ा आप लोगों के सामने भी इसको छान कर दिखा रही हूँ कि इसको हमने छान कर डालना है। इसके अंदर बहुत से लम्स होते हैं, अगर आप छान कर नहीं डालेंगे तो आपका केक का बैटर ख़राब हो जाएगा। ये मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर ली है, अब मैं इसको छान लूँगी।
तीनों चीज़ें अच्छे से छन गई हैं और कोई भी लम्स ऊपर बाकी नहीं रहा है क्योंकि मैंने मैदा पहले से छान कर रख लिया था। आता है सबसे मज़ेदार स्टेप, इसकी मिक्सिंग। आप देखिएगा इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मज़े की होगी। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है तो मैं यहाँ पर फुल देसी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर की इस्तेमाल नहीं करी है, ना मैंने मोल्ड्स लिए हैं, ना मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, ना ही ओवन में इसको मैं बेक करूँगी। आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर एक प्रोफेशनल तरीके से केक बेक कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा ओवन के केक में और एक पतीली के केक में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा लग रहा है, और मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा दी है। आपने ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब जो मैंने एक साँचा लिया था जिसको मैंने ऑयल ग्रीस कर रखा था, उसमें मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो कोई मसला नहीं है, आप ऑयल ग्रीस करें और ऑयल ग्रीस करने वाले इस पर मैदा डस्ट कर दें, और जो सारा मिक्सर तैयार करा है वो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। सारा मिक्सर शिफ्ट करने के बाद मैं इसको टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल ना रहे। आप देख सकते हैं ये ऊपर सारे बबल्स आ रहे हैं। एक से दो मिनट तक हमने इसको अच्छी तरीके से टैप करना है ताकि सारे एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। आप देख सकते हैं अभी अभी में कितने सारे एयर बबल्स ऊपर आए और वो ख़त्म हो गए। ट्वेंटी फाइव मिनट्स हो गए थे जो मैंने पतीले प्री हीट करने के लिए रखा था। अब मैंने उसके अंदर ये बैटर रख दिया है। मैंने 25 मिनट्स पहले रखा था, इस वजह से इसको दम वाली फ्लेम पर रखा था। अगर आप इसको पहले प्री हीट करना चाहें जल्दी यानी, तो आप मीडियम फ्लेम पर रखें। अब मैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दूँगी इसकी। इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पतीले के अंदर कोई भी लीकेज ना हो। अगर कोई ऊपर से लीकेज है तो आप उस पर कोई कपड़ा ढाँप दें या फिर कोई भारी चीज़ ऊपर से रख दें। अब एक घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं इसको तकरीबन बेक होने में सवा घंटा लग गया था। ये फ्लेम पर डिपेंड करता है कि आपका फ्लेम कैसा है और उसको हीट कैसे मिल रही है। आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रूवर्स डाला है सेंटर में और ये बिल्कुल ड्राई आया है ऊपर। इसका मतलब है आपका केक बेक हो गया है। अब आप इसको एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए बिल्कुल निकाल कर, बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा वरना आपका केक टूट जाएगा। यहाँ पर मैंने पतीले से निकाल कर इसको रख दिया था। अब मैं छुरी से इसके साइड्स को कट कर लूँगी ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। कोशिश कीजिएगा आप इसको एक से दो घंटे के लिए छोड़ दें, बिल्कुल भी इसको भूल जाएं, छोड़कर टच मत कीजिएगा वरना केक टूट जाएगा। इसकी सारी साइड्स को मैंने कट कर लिया था और अब देखें माशाल्लाह 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 से कितना अच्छा सा केक बेक हुआ है विदाउट ओवन। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा था उतना ही खाने में अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट है तो आप उसको मेल्ट कर इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी तो मैंने मेल्ट कर इसके ऊपर से डाल दी है, और आप देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप। ये छुरी अगर मैं इसको कट कर रही हूँ तो ये कितनी ईजिली छुरी अंदर जा रही है। और ये है तैयार हमारा फुल चॉकलेट केक विदाउट ओवन। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।